A beaker of circular cross section of radius 4 cm is filled with mercury up to a height of 10 cm. Find the force exerted by the mercury on the bottom of the beaker. The atmospheric pressure equal to 10 to the power 5 Newton per meter square. Density of mercury is equal to 13600 kg per meter cube. And take the Z, uh, acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second square. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बीकर है ठीक है और इस बीकर जो था है जिसकी जो रेडियस दिया इसमें फोर सेंटीमीटर दिया है फोर सेंटीमीटर रेडियस दिया है बट हमको डेंसिटी इसकी डायमीटर लेते हैं तो डायमीटर कितना हो गया एट सेंटीमीटर और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर और जो मरकरीज होता है बॉटम लेवल से कहां तक फील्ड है वह आपका टेन सेंटीमीटर तक फील्ड है ठीक है जब इसको मीटर में करेंगे तो जीरो पॉइंट वन मीटर होंगे और यह हमारा सारे जो यह मरकरी है ओके तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है मरकरी जो फील्ड है और मरकरी के कारण यह बॉटम पे इस बॉटम पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो मरकरी के कारण जो है इस बीकर के बॉटम पे जो उसके पेन्धी पे कितना फोर्स एग्जेक्ट हो रहा है उस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना फोर्स फाइंड आउट करना देखो प्रेशर इज कल टू होता है यहाँ पेंदीप पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कारण जो होता है और वाटर में जितना इस पे हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो सभी जगह प्रेशर क्या होता है सेम रहता है कहीं वह प्रेशर में डिफरेंस नहीं जितना प्रेशर सप्लाइड का एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी एड हो जाएगा पी एटमोस्फेरिक प्रेशर सभी जगह सेम वही इस पेंदी पर लगेगा ठीक है और ये यह मरकरी है और मरकरी के कारण जोता है वह मरकरी के कारण इस पेंदी पे कितना प्रेशर होगा वह हाइट कितना है टेन टेन सेंटीमीटर रो जी एच यह आपको फ्लूड के कारण प्रेशर लग रहा है और यह आपका जो एटमोस्फेयर है उसके कारण प्रेशर लग रहा है और टोटल प्रेशर इस पर लग रहा है पी एटमोस्फेरी प्लस और फ्लूड के कारण एच डिस्टेंस जो है एच हाइट फ्लूड के कारण जो है उस पर प्रेशर लग रहा है कितना रो जी एच जब इस वैल्यू को पुट करें पी प्रोसेस कितना दिया है आपको दिया है टेन टू फॉर फाइव दिया है प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी क्योंकि इसमें जो विकर में मरकरी फील्ड है तो हम लोग डेंसिटी ऑफ मरकरी फाइंड आउट कितना है वन थ्री सिक्स डबल जीरो है एन जी एसलेसन ड्यू टू ग्रेविटी आप कितना लोगे आपको टेन लेना है नाइन पॉइंट एट नहीं लेना है टेन लेना है एन एच कितना है एच जो था हमारे कहाँ तक फील्ड है लिक्विड जो मरकरी जो है जीरो पॉइंट वन तक फील्ड है ओके okay? जब और p हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा ये p निकलेगा कितना है जब इसको सॉल्व करेंगे वन वन थ्री सिक्स डबल जीरो वन वन थ्री सिक्स डबल जीरो निकलेगा देखो बट हमको तो प्रेशर नहीं निकलना है सब बात सीधी सी है कि हमको प्रेशर नहीं निकल हमको क्या निकालना है यहाँ प्रेशर निकालना है तो हम लोग को पता है कि जो प्रेशर के फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया होता है ठीक है वन वन थ्री सिक्स डबल जीरो जब इस एरिया को मैं इधर ले जाऊंगा तो वन वन थ्री सिक्स डबल जीरो और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर डायमीटर फॉर्म में अगर रेडियस फॉर्म में तो अलग होता है वही होता है रेडियस का कितना आप ए, ए, जो ए, क्या होता है डायमीटर स्क्वाइल टू टू आर होता है वो आप फार्मूला रख दोगे तो वही फिर वही आ जाएगा ओके पाई का वैल्यू बाई फोर इंटू डी डी का वैल्यू कितना आपका जीरो पॉइंट एट है जीरो पॉइंट एट आपका डी है तो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो, जीरो एट का स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइव सेवन वन न्यूटन फोर्स निकल आएगा ओके अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप कृपया करके शेयर कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक